जाएगा डराओ ना। साढ़े चार के आसपास, साढ़े चार पौने पांच के बीच में विशालगढ़ बाईपास में हमारा एक वुमेन स्टाफ विमेन ऑफिसर अलॉन्ग विद स्टाफ व्हीकल चेकिंग कर रहे थे। उसके उस दौरान एक बाइक आया बहुत तेजी स्पीड से, तो उनको रुकने के लिए सिग्नल दिया, तो वो गाड़ी रुकाने, जैसे गाड़ी नहीं रुका है तो विमेन ऑफिसर ने फिर थाना में इन्फॉर्म किया कि ऐसा एक गाड़ी है तो सिग्नल देने से नहीं रुक रहे, तो सस्पिशियस कुछ हो सकता है। तो फिर यहाँ पे हमारा वो सी साहब ने तो फिर यहाँ से एक टीम को उधर उसको पीछे करने के लिए भेजा और विश्रामगंज को भी हम लोगों ने इन्फॉर्म किया। जैसे हम लोग ये टीम पीछे जा रही थी तो विश्रामगंज की टीम भी रेडी थी, बट जैसे वो लोग जा रहे थे तो वो बहुत तेजी से जा रहा था तो कंट्रोल नहीं कर पाया, उसी ने खुद एक गाड़ी को डैश कर दिया। चेरीलाम बाजार पार करते हो तो बीओसी जहाँ पे है तो उधर डैश कर दिया, डैश करके वो वहां पे गिर गए। गिरते ही तो पब्लिक ने उसको एक्सीडेंट के उसको पकड़ के रखे थे, उसको फर्स्ट एड करवाने के लिए। मीनवाइल हमारा विश्रामगंज का स्टाफ और विशालगढ़ का स्टाफ दोनों पहुंच चुके हैं, पहुंच के फिर चेक किया कि हमारे ब्राउन शुगर मिला है। सर इतना माल कहां से आ सकते हैं? ये हमारा जो प्रीलिमिनरी इंट्रोगेशन, अभी तक प्रीलिमिनरी इंट्रोगेशन चल रहा है, पूरा इंट्रोगेशन नहीं हुआ है, लेकिन प्राइमरीली हमको ये पता चल रहा है कि अगरतला की साइड से आ रहा है और ये सोनामुरा की तरफ, सोनामुरा एरिया की तरफ जा रहा है। सर कितना माल था टोटल? अभी इसमें जो पकड़ा गया टोटल 81 बॉक्सेस मिला है, जिसमें एक बॉक्स थोड़ा सा टूटा हुआ है। टोटल अराउंड 800 ग्राम है, इसका मार्केट वैल्यू 1.2 करोड़ के ऊपर हो सकता है। कितना आदमी को पकड़ा इसका सर? अभी बाइक में दो लोग थे तो एक आदमी को हम लोग गिरफ्तार कर लिया, दूसरा आदमी तो डिटेल्स मिला है तो उसको भी हम लोग गिरफ्तार। जिसको पकड़ा उसका नाम वगैरह? इसमें जो पकड़ा है इसका नाम है कबीरुद्दीन। सर एक बात है, उत्तम बक्स उन्हीं में एक नाका पॉइंट है और विशमगंज जाने से पहले भी है, तो ये नाका पॉइंट कैसे पार कर लिया उन लोगों ने? अभी जो प्रिलिमिनरी इंट्रोगेशन में हमको पता चला है कि वो उत्तम बक्स चौमानी नाका से इधर से नहीं आया, दूसरा जगह से आया, इधर गोलाघाटी से आया या फिर वो उस उत्तम बक्स चौमानी एरिया को पार करके उसको बाईपास करके दूसरा जगह से आया है। हम लोग इंट्रोगेट कर रहे हैं, इसमें प्रिलिमिनरी इंट्रोगेशन चल रहा है, जैसे अगर पता चलता है एग्जैक्टली कौन से रूट में आया फिर हम लोग कंसर्न नाका पॉइंट्स को भी बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली क्या हुआ है, उनसे भी हम लोग इन्फॉर्मेशन। सर जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ माल बहुत था उसमें, बहुत आदमी ने उसको उस टाइम बहुत कुछ किया था, तो इसके ऊपर कोई जानकारी है सर? अभी तक जैसे आप पूछ रहे हो कि माल बहुत था तो हमको जो इन्फॉर्मेशन मिला था 81 है तो 81 इंटैक्ट है, लेकिन जो आप बता रहे हो हम लोग इसके ऊपर भी इंट्रोगेशन चल रहा है क्योंकि वहां पे बहुत सारे पब्लिक थे, अगर ऐसा हुआ तो तब भी हम लोगों को तो वहां पे हम लोग सोर्स से बात करेंगे तो ये तो निकल के आएगा, और बीओसी का जो सीसीटीवी है उसमें फुटेज भी हम लोग चेक कर रहे हैं।
सर जो बाइक एक्सीडेंट हुआ है उसका डिटेल्स है सर। बाइक जो जो मिल गया तो बाइक का नंबर जो है TR07C65978 यह है, ये रॉयल एनफील्ड थंडर बाइक है, तो इसी पे एक्सीडेंट हुआ है और दोनों। सर एक्यूज्ड कबीरुद्दीन का घर कहाँ है? इसका घर है बरनारायण पहाड़पुर जात्रापुर के, जात्रापुर थाना के। सर कोई स्पेसिफिक केस बना है इसमें? नहीं अभी स्पेसिफिक केस अभी हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं, तो अभी घटना होके तो मतलब एक डेढ़ घंटा ही हुआ है, तो हम लोग पूरा ये करके एग्जैक्ट वेइंग ये सब करके तो लीगल फॉर्मेलिटीज करके हम लोग केस रजिस्टर करेंगे, और इसमें जो इसको जो सप्लायर है और कहाँ पे जाने वाला था उसके ऊपर भी हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे।